तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाजी और पूरी टीम ग्राउंड फ्लोर के सभी लोगों को मारते हुए बिल्डिंग में घुस जाती है, पर जब वो ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा झुंड उनका इंतजार कर रहा था। और यहां तक आकर बाजी में और लड़ने की ताकत भी नहीं थी और ना ही बाकी की टीम में। पूरा फर्स्ट डिवीजन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और रियूसी भी को के मुंह पर लात मारकर ये साबित कर देता है कि वो धोखेबाज है। जिसके बाद आखिर में हमने देखा था कि योत्सुआ के मेंबर्स बाजी को पकड़ लेते हैं और कोजीरो बाजी के सर पर एक जोरों से बैट मारता है। और जब चीफ्यू बाजी के पास जाने की कोशिश करता है तो रियूसी उसके सामने आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीफ्यू को रोकते हुए रियोसी अभी उसके रास्ते में खड़ा था। पीछे कोजीरो रियोसी की वफादारी से काफी खुश था, पर चीफ्यू गुस्से में चिल्लाते हुए रियोसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर चीफ्यू भी बाकी मेंबर्स की तरह काफी थक चुका था और इसलिए रियोसी को थके हुए चीफ्यू को एक ही पंच से नीचे गिरा देता है। चीफ्यू रियोसी से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने योत्सुआ को क्यों चुना जबकि उसे पता है कि कोजीरो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है। चीफ्यू कहता है कोजीरो को अपने दोस्तों की परवाह नहीं है पर फिर भी वो उसे फॉलो कर रहा है, आखिर क्यों? और चीफ्यू वापस उठता है और रियोसी पर अटैक करते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो कोजीरो पर कैसे भरोसा कर सकता है। और अगेन चीफ्यू कुछ नहीं कर पाता और रियोसी चीफ्यू को एक जोरों की किक मारता है। चीफ्यू दोबारा नीचे गिर जाता है और रियोसी कहता है मैं इस दुनिया पर कोजीरो के साथ मिलकर राज करूंगा। चीफ्यू काफी हाँफ रहा होता है और रियोसी कहता है तुम सभी की शक्लें बता रही हैं कि तुम में से कोई भी अब और नहीं लड़ सकता, तुम सभी ऑलरेडी हार चुके हो। और जब रियोसी वहां से जाने लगता है चीफ्यू कांपते हुए खड़ा होता है और फाइनली एक पंच रियोसी के मुंह पे दे मारता है। और इससे पहले कि वो दूसरा पंच रियोसी को मारता रियोसी कहता है तुम्हारे अंदर अभी भी काफी ताकत है और यहाँ तक कि बाजी भी उठ चुका है। और ये देखने के लिए चीफ्यू अपना सर दूसरी तरफ घुमाता है पर बाजी तो अभी भी बेहोश था। रियोसी मौके का फायदा उठाता है और चीफ्यू को जोरों से चेहरे पर हिट करता है। और रियोसी चीफ्यू को कहता है कि आखिर वो कितने बार दूसरों को बेवकूफ बनाएगा। रियोसी जाने लगता है पर फिर से चीफ्यू खड़ा हो जाता है और रियोसी कहता है आखिर तू इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। और चीफ्यू दोबारा हाँफते हुए रियोसी के पीछे खड़ा हो जाता है और रियोसी गुस्से में उसे एक और पंच मारता है और कहता है क्या तुझे समझ नहीं आता, तुम सबकी इकलौती उम्मीद बाजी अब हार चुका है, पूरी टीम की हिम्मत टूट चुकी है। और रियोसी चीफ्यू से पूछता है कि क्या वो नहीं जानता उसके अकेले खड़े रहने का क्या अंजाम होगा, जिस पर चीफ्यू कहता है कि वो अकेला नहीं है, जब उसे ये यूनिफॉर्म मिली थी उसने उसे कहा था कि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम कभी भी योत्सुआ से नहीं हारेंगे। और ये सुनते ही रियोसी चीफ्यू को जोरों से मारता है और बोलता है कि आखिर उसे कितनी बार और ये बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ उन सब का दुश्मन है, वो एक धोखेबाज है। और रियोसी को सभी मेंबर्स के हंसते हुए चेहरे दिखते हैं पर वो कहता है कि अब वो वापस नहीं जा सकता। और तभी चीफ्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो हमें बेवकूफ बनाने की, मैं तुम पर फिर भी भरोसा करता रहूंगा। और ये सुनते ही रियोसी कांप जाता है पर तभी कोजीरो पीछे से चीफ्यू के सर पर जोरों से मारता है और चीफ्यू के नीचे गिरते ही कोजीरो उसके सर को रौंदते हुए कहता है कि कितनी बकवास करता है ये, इस दुनिया में रियोसी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और कोजीरो दूसरा वार भी चीफ्यू पे करने ही वाला होता है कि रियोसी कोजीरो का बैट रोक देता है। और अब रियोसी और कोजीरो एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोजीरो रियोसी के इस बिहेवियर से बहुत नाराज था। वो रियोसी को कहता है कि तेरे सारे पुराने दोस्त पिट चुके हैं तो तेरे से देखा नहीं जा रहा, तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और हर कोई रियोसी को देख रहा था, बाजी भी। जिसके बाद कोजीरो को फील हो जाता है कि रियोसी का हाथ तो कांप रहा है और वो हंसने लगता है और रियोसी को कहता है कि तू चाहे तो हार मान सकता है, आखिरकार हम दोनों अनबीटेबल डुओ हैं। और कोजीरो तब की बात कर रहा है जब वो दोनों कभी ना हारने के लिए मशहूर थे। रियोसी
किसी के साथ अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके पेरेंट्स अक्सर घर से चले जाते थे और काफी रात को वापस आते थे और उसे कप नूडल्स खाने पड़ते थे। और उस समय उसका इकलौता दोस्त कोजीरो उससे मिलने आता था और साथ ही अपने हाथों से बनाकर खाना भी लाता था। रियोसी को याद आता है कि उस समय भी कोजीरो लड़ाई से पिटकर उसके घर आया था और कोजीरो हमेशा रियोसी से कहता था कि वो दोनों फाइट में सबसे बेस्ट बनेंगे और जब वो दोनों जवान होते हैं तो दूसरे डेलिक्वेंट्स के बीच में और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। खासकर कोजीरो जो जिससे भी लड़ता था उसका बहुत बुरा हाल कर देता था, सिंपली भूत बना देता था। और कोजीरो के साथ के पल याद करने के बाद रियोसी बाजी और फर्स्ट डिवीजन के बारे में सोचने लगता है। वो पल जब उसकी फर्स्ट फाइट फर्स्ट डिवीजन के साथ हुई थी और कोजीरो के लिए उसने चाकू खाया था, पर कोजीरो भाग जाता है और रियोसी बन जाता है फर्स्ट डिवीजन का मेंबर। और हमें पता चलता है कि टीम बदल जाने के बाद ही रियोसी ने अपना ट्रांसफर शिबुया के स्कूल जहां बाजी पढ़ता था वहां करवा लिया था, जिसके बाद रियोसी की मुलाकात पूरे स्कूल के दादा चीफ यू भाव से होती है। हालांकि रियोसी चीफ यू की काफी बैंड बजाता है, उसके हेयर स्टाइल से लेकर पीकी जे तक वो सब कुछ याद करता है। और वो इंसिडेंट भी जिसमें जब किलर बी ने बाजी को टारगेट करते हुए स्कूल पर अटैक किया था, जिस वक्त रियोसी ने तो उस गैंग के लीडर को लगभग मार ही दिया था। और फाइनली हम उस सीन को भी देखते हैं जहां से रियोसी के जुदा होने की आर्क शुरू हुई थी। कुछ लोग रियोसी को घेर लेते हैं और रियोसी कहता है कि अगर तुम लोग मेरे फैन हो तो थोड़ा फ्रेंडली वे में आओ यार, जिसके आगे हमें पिछले चैप्टर में तो नहीं बताया गया था। वो बंदा योत्सुआ का मेंबर था और वो रियोसी को कोजीरो के कहने पर योत्सुआ में वापस बुलाने आया था, जिसके बाद उसी बेसबॉल स्टेडियम में कोजीरो रियोसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है क्योंकि उसने बाजी की टीम ज्वाइन कर ली और कभी वापस भी नहीं आया। जिसके बाद आगे की कहानी तो हमें पता है, जहां बाजी रियोसी को बचाने आता है पर रियोसी उनकी गैंग में आने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया पर अच्छा रहेगा अगर वो लोग उसे भूल जाए। और रियोसी चीफ यू की बात याद करता है कि उसे अभी भी उस पर भरोसा है। कहानी प्रेजेंट में आती है और रियोसी कोजीरो से कहता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने दिल से तुझे निकाल चुका हूँ क्योंकि मेरे पीछे पड़े गधे एकेएच चीफ यू ने मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सिखाया है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमें हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। और इसी के साथ रियोसी कोजीरो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, बाजी भी ये सब सुन और देख रहा था। कोजीरो काफी गुस्सा हो जाता है और पंच मारते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तू क्या बक रहा है। और रियोसी भी बिल्कुल तैयार था। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं एंड यस, पूरे मोहल्ले की नजर उन्हीं पर थी। और रियोसी को एक सेकंड के लिए उसका बचपन याद आता है, पर फिर फाइनल ब्लो रियोसी का होता है और इसी के साथ कोजीरो हार जाता है। और जैसे राजा के मरने के बाद सारी आर्मी भाग जाती है, ठीक वैसे ही कोजीरो की पूरी टीम डर के मारे उसे वहीं छोड़ के वहां से चली जाती है और कोरियोसी के पीछे लिपट जाता है और कहता है कि तेरे उस पंच के बाद मैं उस किक को भुला दूंगा जो तूने मुझे मारी थी। और अब बाजी कहता है, सभी लोग, ये लड़ाई फर्स्ट डिवीजन के नाम हुई। और फर्स्ट डिवीजन ये लड़ाई योत्सुआ के खिलाफ जीत जाता है और चैप्टर 20 भी यहीं पर खत्म होता है। पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर 19 और 20 के बाद अब हम देखेंगे बोनस चैप्टर को। सो चैप्टर शुरू होता है और हम बाजी चीफियो और रियोसी को क्लास में बैठा देखते हैं, जहां बाजी दोनों को अपना ड्रीम बताता है जहां वो तीनों पुलिस ऑफिसर बने हुए थे। जिस पर रियोसी तो बाजी का मजाक उड़ाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियल और ड्रामा आजकल देख रहा है, पर चीफियो कहता है कि अगर बाजी सैन पुलिस ऑफिसर बने तो सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे। सो चीफियो की इस तारीफ के बाद बाजी अपने आप को एक कूल एस डिटेक्टिव इमेजिन करने लगता है एंड वो कहता है कि अब मैं डिटेक्टिव बनूंगा। और अब बाजी को एक मर्डर केस सॉल्व करना था और इस चीज की तैयारी करने के लिए वो रियोसी और चीफियू को बोलता है। और हाँ, बाजी ने उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी बल्कि उन्हें ये करने बोला है। सो दोनों के पास कोई चारा नहीं होता, जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ को डेड बॉडी बना हुआ था और बासी चीफियू रियोसी फुल डिटेक्टिव गेटअप में केस की छानबीन कर रहे थे। और यहाँ केस ये था कि कमरा बंद है और को सैन मरा हुआ है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ये सुसाइड है, क्योंकि को के बगल में रखी पिल्स तो सुसाइड की तरफ इशारा कर रही थी। और चीफियू हमें बताता है कि इन सभी चीजों के लिए उसने ड्रामा क्लब से कॉस्ट्यूम उधार ली है, मिताराशी की मदद से उसने लैब का सामान तैयार किया था। और बाजी शुरुआत में तो काफी खुश था कि क्या मस्त केस है, और आधे घंटे तक बॉडी को घूरने के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता और बाजी बहुत गुस्सा हो जाता है कि क्या ये केस सही भी है।
और सीरियसली इस वक्त बाजी घुर्रा रहा होता है और सबकी पटे में आ रही होती है और माहौल को संभालते हुए कोसैन ही अपना वाउंड बाजी को दिखा देता है और कहता है कि बाजी तुमने कर दिखाया। और यस बाजी केस सॉल्व करके काफी खुश था, जिस पर चीपियू कह रहा होता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया पर कोसैन ने हमें बचा लिया। जिसके बाद बाजी दूसरे केस के बारे में पूछने लगता है और सभी वहां से बचने की कोशिश करने लगते हैं। और इस फनी एंडिंग के साथ बोनस चैप्टर भी यहीं पर एंड होता है। और हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी खत्म हो गया, सो हाँ, क्योंकि चैप्टर के एंड में लिखा था Until next time, जिसका कैजुअल मीनिंग होता है goodbye। और अभी तक राइटर ने ऐसा किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा था, सो इसके अकॉर्डिंग स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी है। पर फिर भी अगर इस स्टोरी का कोई अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल उसे डाल दूंगा। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, और नई मांगा भी चैनल पर शुरू करी है तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। बाय।